साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय चार द्विघात समीकरण, इसके जितने भी उदाहरण हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। यहाँ पर जो हमारा पहला उदाहरण है वो हम प्रश्नावली 4.2 के दूसरे प्रश्न में कर चुके हैं, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर उदाहरण एक को सॉल्व नहीं करेंगे, हम उदाहरण दो से इसकी शुरुआत करेंगे। उदाहरण दो है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ समीकरण दिए हैं, हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर जो ये ए बी सी है वो हमारे क्या है, अचर, और ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर ये जो समीकरण है इसको हम इस रूप में ला देते हैं तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। जैसे यहाँ पर जो हमारा पहला समीकरण है वो है x माइनस 2 की घात 2 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ हमें क्या दिया है, x माइनस 2 की घात 2, यहाँ पर हमारी एक सर्वसमिका लगेगी, सर्वसमिका है a प्लस बी की घात 2, और इसका प्रसार रूप क्या होता है, a की घात 2 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी की घात 2। तो पहले हम इस कोष्टक को खोलेंगे, है ना। इसका प्रसार रूप क्या है, यानी ये जो सूत्र है हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर a हमारा क्या हो गया x और b हमारा क्या हो गया 2। तो यहाँ पर इसका प्रसार करेंगे, a की घात 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी की घात 2, फिर यहाँ क्या है प्लस प्लस 1, फिर बराबर 2x माइनस 3। अब a हमने क्या माना x, तो a की जगह x आ जाएगा और b हमारा कितना है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। बीच में a इंटू बी है तो a की जगह x और b की जगह 2, सभी से कोष्टक हटाएंगे तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, और ये x प्लस 2 की घात 2 यानी 2 का 2 से गुणा कितना हो गया 4 बराबर प्लस यहाँ पर कितना है 1 और बराबर में 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ 4 और यहाँ प्लस का 1, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, उत्तर हमारा किस में आएगा प्लस में, है ना। और बराबर के इस तरफ जितने भी पद हैं इन सब को हम इधर लाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है x की घात 2 प्लस 4x, ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे प्लस का 5, ये इधर आएगा तो प्लस का 2x इधर आकर क्या हो गया माइनस का 2x, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और बराबर के इधर क्या बचा 0 बचा। अब जो जुड़ता है उसे जोड़ो, जो घटता है उसे घटाओ, लेकिन जुड़ेगा कौन, सजातीय पद जुड़ेगा या फिर घटेगा। तो देखो यहाँ 4x है और यहाँ 2x है, ये दोनों सजातीय पद है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो घटता है और उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखकर सॉल्व करना है ना। तो ये हो गया x की घात 2, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 2, तो 4 में से 2 गया प्लस का 2x, फिर ये प्लस का 5 और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो ये जो हमने इसको सॉल्व किया है क्या ये इस रूप में है, बिल्कुल है, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे यह ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, प्रकार का समीकरण है, समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, यानी कि हमें जो ये समीकरण दिया गया था इसको हमने इस रूप में लेकर आ गए, इसलिए ये कैसा समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण समीकरण है, ठीक है। दूसरे समीकरण में भी हम सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पर तो हमें कैसे क्या करना है, ये जो चर दिया है इसका इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है, यानी कि x का गुणा इस पद से भी होगा और इसके अगले वाले पद से भी गुणा होगा, और यहाँ पर जो है एक सर्वसमिका का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो हमने एक सर्वसमिका पढ़ी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ये हमें सर्वसमिका दी है तो इसका प्रसार रूप क्या होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2,
तो ये चीज हमें दे रखी है और इसको हम इसमें बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर x का गुणा इस पूरे कोष्टक से कराना है। तो x का गुणा पहले x से करेंगे, तो x इंटू x कितना हो जाएगा, x की घात 2, फिर ये प्लस का प्लस, फिर x का 1 से गुणा x, फिर ये क्या आ गया, प्लस का 8 और बराबर में, यहां पर देखो ये हमारा a प्लस बी हो गया और ये भी हमारा a माइनस बी हो गया, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये इस रूप में दे रखा है। तो इसको हम a की घात 2 माइनस बी की घात 2 लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया a, यानी a की घात 2 माइनस बी की घात 2, तो b हमारा कितना है 2 और घात 2, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो 2 की घात 2 दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे। 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है ना। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व करके इधर लेके आ जाता हूं, तो ये हो गया x की घात 2 प्लस x प्लस 8। अब बराबर के इस तरफ x की घात 2 को लेके आएंगे, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का x की घात 2, और ये माइनस 2 की घात 2 यानी कि 4 है ना। तो ये माइनस का 4 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 और बराबर में 0। अब देखो यहां पर तो है प्लस का x की घात 2 और यहां पर है माइनस का x की घात 2, तो एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों घटकर 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x और ये प्लस का 8 और प्लस का 4, ये दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो हमें समीकरण मिली x प्लस 12 बराबर 0। क्या ये इसके व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, नहीं है, है ना, इसलिए ये हमारी द्विघात समीकरण भी नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे यह ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये आपका रफ वर्क हो जाएगा। तो तीसरे समीकरण में भी हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक को खोलेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, इस x का गुणा इस पद से भी करना है और अगले वाले पद से भी करना है। तो x का गुणा 2x से करेंगे, तो 2 का 2 हो जाएगा और x का x से गुणा x की घात 2, फिर प्लस x का 3 से गुणा, 3 आगे x पीछे बराबर, ये हो गया x की घात 2 प्लस 1। अब इस पूरे पद को हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया 2x की घात 2 प्लस 3x, फिर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस x की घात 2, और ये प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का 1 और बराबर में 0। अब देखो ये दोनों सजातीय पद है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो घटेगा, तो 2x में से 1x की घात 2 गया, कितना बचा, 1x की घात 2 यानी x की घात 2, फिर ये हो गया प्लस का 3x और ये हो गया माइनस का 1 और बराबर में 0। अब ये हमारा क्या है, यह ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। चौथा समीकरण है x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4। तो देखो यहाँ पर जो हमें ब्रैकेट दिया है ऊपर घात 3 दी है और इसका प्रसार रूप हमें पता है। प्रसार रूप इसका क्या होता है, इसका प्रसार रूप होता है अगर हमें a प्लस बी की घात 3 दिया है तो प्रसार रूप क्या होगा, a की घात 3 प्लस 3a की घात 2 इंटू बी प्लस 3ab की घात 2 प्लस b की घात 3। तो यहाँ पर हमें इसका प्रसार रूप यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है और ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है। तो a हमारा x हो गया और b हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a की घात 3 यानी कि x की घात 3 प्लस 3 इंटू ए की घात 2। तो a हमारा क्या है, x है, तो x की घात 2 इंटू बी हमारा कितना है, 2। तो यहाँ पर इंटू में यहाँ इंटू लगा देता हूँ और यहाँ पर 2 कर देता हूँ, है ना, इनके बीच हम इंटू का निशान लगा देते हैं, ठीक रहेगा। फिर प्लस 3 इंटू ए हमारा क्या है, x,
इंटू बी की घात दो, तो बी कितना है दो, तो ये हो गया दो की घात दो प्लस बी की घात तीन यानी दो की घात तीन बराबर में यहाँ हमें क्या दे रखा है x की घात तीन माइनस चार, तो ये हो गया x की घात तीन माइनस चार। ठीक है, आगे सॉल्व करते इसको, तो ये हो गया x की घात तीन प्लस तीन इंटू एक्स की घात दो इंटू दो, तो तीन और दो का हम गुणा कर देते तो ये हो गया तीन दूनी छः एक्स की घात दो और इंटू को हटा देते है ना, प्लस यहाँ पर देखो दो की घात दो का मतलब कितना होता है चार, तो एक बार लिख देते हैं, तो ये हो गया तीन इंटू एक्स इंटू दो की घात दो का मतलब चार प्लस दो की घात तीन का मतलब, दो की घात तीन का मतलब होता है दो का तीन बार गुणा, दो गुणा दो गुणा दो कितना हो जाएगा आठ, तो यहाँ आ जाएगा आठ और बराबर में x की घात तीन माइनस चार। अब एक बार इस पद को हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया x की घात तीन प्लस छः एक्स की घात दो प्लस तीन का चार से गुणा तीन चौक बारह इंटू एक्स प्लस आठ और बराबर में x की घात तीन माइनस चार। अब इस पद को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया x की घात तीन प्लस छः एक्स की घात दो प्लस बारह एक्स प्लस आठ, ये x की घात तीन का है, घात तीन प्लस का है इधर आएगा, तो माइनस x की घात तीन, ये माइनस का चार है तो इधर प्लस का चार और बराबर में इधर क्या बचेगा जीरो बचेगा। ठीक है, अब सजातीय पद देखो, ये x की घात तीन है और ये माइनस का x की घात तीन है, तो ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा तो जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो, ये प्लस का आठ है और ये प्लस का चार है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और प्लस का बारह हो जाएगा, तो क्या बचा छः एक्स की घात दो प्लस बारह एक्स प्लस आठ और चार बारह बराबर में जीरो। अब देखो इन तीनों पदों के अंदर है ना छः का पहाड़ा कॉमन आ रहा है, यानी देखो यहाँ छः है, यहाँ पर छः का पहाड़ा है, छः कम छः छः दूनी बारह और यहाँ भी छः का पहाड़ा है, तो इन सभी पदों में छः कॉमन आ रहा है, तो हम छः को बाहर ले लेते हैं, यहाँ से छः पूरा बार आ गया, अंदर क्या बचा एक्स की घात दो प्लस यहाँ पहाड़ा बोलेंगे तो छः एकम छः छः दूनी बारह, कितनी बार पहाड़ा बोला दो बार, तो अंदर बचा दो एक्स प्लस यहाँ भी दो बार पहाड़ा बोलेंगे तो अंदर बचा दो और बराबर में जीरो। अब देखो ये जो छः है वो गुणे में है, तो जब उधर जाएगा तो वो किस में जाएगा भाग में जाएगा है ना, तो जीरो बट्टा छः कितना होता है जीरो होता है, यानी छः उधर जाके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो चलो हम छः को हटा देते हैं, ये हो गया एक्स की घात दो प्लस दो एक्स प्लस दो बराबर में जीरो, ये छः जीरो के उधर जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा है ना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है ना, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा प्रश्न सॉल्व करना है। उदाहरण तीन है, गुणनखंड द्वारा समीकरण दो एक्स की घात दो माइनस पांच एक्स प्लस तीन बराबर जीरो के मूल ज्ञात कीजिए है ना, यानी कि हमें एक द्विघात समीकरण दी है और इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, और कौन सी विधि से करने हैं, गुणनखंड विधि से करने है ना, तो इसको कैसे करना है बड़े ध्यान से समझना। समीकरण क्या है, समीकरण है दो एक्स की घात दो माइनस पाँच एक्स प्लस तीन बराबर में जीरो। सबसे पहले यहाँ पर देखो कितने पद है, एक दो और तीन, यहाँ पर कितने पद है तीन पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो हम क्या करेंगे पहले पद और तीसरे पद का गुणा करेंगे है ना, ये आपका रफ कार्य है, हमें क्या करना है पहले पद और तीसरे पद का गुणा करना है, तो पहला पद हमारा क्या है दो एक्स की घात दो इंटू तीसरा पद क्या है तीन, गुणा करो इसका, तो देखो दो तीया कितना होता है छः और ये हो गया एक्स की घात दो, यानी गुणा करने पर हमें इसका क्या मिल गया गुणनफल मिल गया। अब इस गुणनफल के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो हमें छः एक्स की घात दो मिले और उन दोनों टुकड़ों को जोड़ने घटाने पर माइनस का पाँच एक्स मिले, यानी कि दूसरा पद मिले, यानी पहले और तीसरे पद का जो गुणनफल होगा उसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि हमें दूसरा पद मिले है ना, तो वो कैसे पता चलेगा वो दोनों टुकड़े कौन से होंगे, तो यहाँ पर देखो गुणनफल में हमें कितना दिया है छः दिया है, तो छः के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब छः एक सम संख्या है तो इसमें दो का भाग जाएगा, दो तीया छः, अब तीन में तीन का भाग एक बार जाएगा, तो वो दोनों टुकड़े तो हमें मिल गए, पहला टुकड़ा दो और दूसरा टुकड़ा तीन, देखो गुणा करने पर हमें छः मिल रहा है, लेकिन यहाँ एक्स की घात दो कैसे आएगा, अगर यहाँ मैं दो एक्स ले लूँ और यहाँ तीन एक्स ले लूँ तो अब देखो गुणा करने पर दो तीया छः और एक्स इंटू एक्स एक्स की घात दो, यानी वो दोनों टुकड़े तो गुणा करने पर तो छः आ रहे हैं, लेकिन क्या जोड़ने घटाने पर माइनस का पाँच आ रहा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम इसको जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से समझना,
जब भी तीसरे पद में यहाँ प्लस का निशान है तो इसका मतलब इन दोनों टुकड़ों को हम जोड़ेंगे। और जुड़ता कब है? जब ये दोनों टुकड़े या तो प्लस के हो, जैसे मान लो ये प्लस का 2x और प्लस का 3x लेता हूँ तो आता है प्लस का 5x, या फिर ये दोनों टुकड़े माइनस के हो, माइनस का 2x और माइनस का 3x, माइनस माइनस जुड़ेगा उत्तर माइनस में आएगा, माइनस का 5x, है ना। तो यहाँ पर अगर तीसरे पद में यहाँ प्लस का निशान है, इसका मतलब इन दोनों टुकड़ों को हमें जोड़ना है, और जुड़ेगा कब? या तो ये दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों प्लस के लेने हैं या माइनस के लेने हैं? तो अब देखो, सेकेंड पद में यहाँ किसका निशान है? माइनस का। अगर यहाँ प्लस का निशान होता तो दोनों टुकड़े हम प्लस के लेते, और यहाँ अगर माइनस का निशान है तो इन दोनों टुकड़ों को हम माइनस का लेंगे, है ना। यानी ये दोनों टुकड़े हम कैसे लेंगे? माइनस के लेंगे। और अगर मान लो यहाँ तीसरे पद में माइनस का निशान होता तो हमें यहाँ पर इन दोनों टुकड़ों को घटाना पड़ता। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों टुकड़ों को हम घटाते। अब घटता कब है? जब एक टुकड़ा प्लस का हो और एक टुकड़ा माइनस का हो, तब घटता है, ठीक है। तो जब यहाँ माइनस आएगा तो वो चीज मैं बताऊंगा, और यहाँ अभी प्लस है, इसका मतलब दोनों टुकड़ों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, वो दोनों टुकड़े हमें मिल गए, क्या है? माइनस का 5x और माइनस का 3x, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 5x, यानी कि दूसरा पद मिलेगा। अब हमें आगे क्या करना है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो दूसरा पद है ना, इसको हमें हटाना है, और इसकी जगह हमें माइनस का 2x और माइनस का 3x लिखना है ना। बाकी पहले पद और तीसरे पद को वैसे ही रहने देना है जैसे वो है। यानी यहाँ पर हमें 2x की घात 2 लिखना है, लेकिन दूसरे पद की जगह हम लिखेंगे माइनस का 2x और माइनस का 3x, माइनस का 2x और माइनस का 3x। फिर तीसरा पद क्या है? 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा और बराबर में 0। दूसरी पद की जगह हमने माइनस 2x और माइनस 3x लिखा, तो देखो माइनस माइनस जब हम जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगा? माइनस का 5x ही आएगा, इसलिए हम दूसरे पद को ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कुल मिला के 4 पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो हमें क्या करना है? इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। जैसे देखो, यहाँ पर इन दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा है? तो देखो, इसके अंदर 2x है और इसके अंदर भी 2x है, तो 2x हम क्या लेंगे? बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2x की घात 2 है, यानी 2x तो हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर 1x बचेगा, है ना। 2x बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा? 1x बचेगा, माइनस यहाँ से 2x पूरा बाहर आ गया। तो जब पूरा पद बाहर आ जाता है तो अंदर कितना बचता है? 1 बचता है। क्यों बचता है? जैसे देखो, यहाँ कितना है? 2x है, तो इसको मैं 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 2x ही आएगा। तो 2x पूरा बाहर आ जाता है तो अंदर कितना बचता है? 1 बचता है। फिर देखो माइनस का, यहाँ पर इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है? तो इन दोनों पदों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को हम बाहर लेंगे। तो अब देखो अंदर क्या बचता है? अंदर ये 3 बाहर आ गया, अंदर बचा x, है ना। और यहाँ देखो प्लस का निशान है, तो देखो जब भी कोष्टक के बाहर यहाँ माइनस का निशान होता है तो कोष्टक के अंदर की तरफ जो ये निशान होता है वो बदल जाता है। यानी अगर प्लस होता है तो अंदर माइनस हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस होता तो अंदर प्लस हो जाएगा। यानी जब भी कोष्टक के बाहर माइनस हो तो चौथे पद का जो निशान होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो कोई निशान चेंज नहीं होता, लेकिन जब भी कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर निशान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 3 कॉमन आ गया, है ना, तो अंदर यहाँ x बचा, और यहाँ ये 3 पूरा बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा? 1 बचेगा और बराबर में 0। यानी जो यहाँ पर x माइनस 1 मिला है वो यहाँ भी हमें वही मिलना चाहिए, x माइनस 1 ही मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो पद है, ठीक है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। आप कहोगे सर यहाँ माइनस का निशान है तो ये दो पद क्यों नहीं है अलग अलग? तो जब भी कोष्टक के अंदर संख्या लिखी जाती है तो उसको हम पूरी एक संख्या मानते हैं, और ये संख्या इसमें गुणे में है तो अब ये पूरी एक पद माना जाएगा। तो ये पहला पद और ये दूसरा पद, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों पदों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? तो देखो इसके पास x माइनस 1 है और इसके पास भी x माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के पास x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को हम बाहर ले लेंगे और बाकी जो संख्या बचती है उसको कोष्टक में लिखेंगे। तो ये x माइनस 1 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा? 2x, और ये बाहर आ गया तो
तो अंदर बचा माइनस का 3 और बराबर में 0। अब देखो ये दोनों ही संख्या जो है वो गुणे में आ चुकी है, ये दोनों संख्या जो है वो किस में आ चुकी है, गुणे में आ चुकी है। यानी ये अगर a है और ये b है तो a इंटू बी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी a इंटू बी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये 0 कब होगा, या तो a 0 हो या फिर ये b 0 हो, तब ये पूरा क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसा लिख सकते हैं, या तो ये वाला जो पद है x माइनस 1 वो 0 होगा, या फिर ये वाला जो पद है 2x-3 ये 0 होगा। यानी दोनों में से एक 0 होगा, तभी इसका गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, ये हमारी क्या बन गई, x-1=0, एक हमारी समीकरण बन गई, है ना। तो माइनस एक को जब हम उधर भेजेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, तो x बराबर माइनस का एक इधर जाएगा तो आएगा प्लस का एक, तो x का एक मूल तो हमें मिल गया, मूल यानी x का मान, है ना। तो एक मूल तो हमें मिल गया। और यहाँ पर ये दूसरी समीकरण क्या है, 2x-3=0, है ना। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए माइनस तीन उधर भेजेंगे, तो 2x अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का 3। अब यहाँ 2 गुणे में है तो 2 उधर किस में जाएगा, भाग में, भाग का मतलब बट्टे में, है ना। तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, 3 अपनी जगह पर, 2 उधर गया बट्टे में 2, तो x हमें मिल गया 3/2। तो इसके हमें दो मूल मिलेंगे, एक तो 1 और दूसरा 3/2। देखो ये जो हमने लिखा है ये पूरा रफ कार्य है, ठीक है। ये आपको केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आपको केवल कॉपी में इतना ही लिखना है। उदाहरण 4 है, द्विघात समीकरण 6x2-x-2=0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें समीकरण क्या दिया है, 6x2-x-2=0। तो ये हो गया हमारा पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। सबसे पहले क्या करना, पहला पद यानी कि 6x2 का गुणा तीसरे पद यानी कि -2 से करना। देखो ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 × 2 = 12 और x^2। अब ये जो गुणनफल आया इसके हमें कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े। गुणा करने पर 12 मिले और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर माइनस एक्स का मतलब माइनस का 1 है, ये हमें मिलना चाहिए। तो पहले तो हम वो 2 टुकड़े ढूंढ लेते हैं जिनको गुणा करने पर 12 मिले। तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये सम संख्या है, 2 का भाग देंगे 2 × 12, फिर 2 का भाग देंगे 2 × 3 = 6, फिर 3 का भाग देंगे 1। तो यहाँ हमें 3 टुकड़े मिल रहे हैं, इनको हमें 2 बनाना है। तो छोटी छोटी संख्याओं का गुणा कर लो, 2 × 2 कितना हो गया, 4, और नीचे यहाँ पर कितना है, 3। देखो 4 का 3 से गुणा कितना हुआ, 12। और अगर मैं 4 में से 3 को घटाऊँ, है ना, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ देखो तीसरे पद में किसका निशान है, माइनस का, इसका मतलब दोनों को घटाना है। तो 4 में से 3 गया, 1 बच रहा है ना। अब इनमें से किसको प्लस का लेना है और किसको माइनस का, वो भी समझ लो। तो देखो दूसरे पद में यहाँ किसका निशान है, माइनस का, तो बड़ा वाला नंबर हमें माइनस का लेना है, यानी यह माइनस का लेना है और ये प्लस का लेना है, तभी तो घटाने पर हमें कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, है ना। तो पहला टुकड़ा तो हमारा हो गया माइनस का 4x, और दूसरा टुकड़ा हो गया हमारा प्लस का 3x। चलो ये 2 टुकड़े हमें मिल गए। अब क्या करना, जो दूसरा पद है इसकी जगह हमें इन दोनों टुकड़ों को लिखना है ना। तो पहला पद हमारा क्या है, 6x^2, दूसरे पद की जगह इन दोनों को लिखना है, यानी माइनस का 4x और प्लस का 3x। जब इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 1x मिलेगा। फिर तीसरा पद हमारा क्या है, माइनस का 2 = 0। अब हमें इन दोनों पद में जो कॉमन आता है उसको बाहर लेना है, और इन दोनों में जो कॉमन आता है उसको बाहर लेना है। तो देखो यहाँ पर 2 का पहाड़ा है और यहाँ पर भी 2 का पहाड़ा है ना। कैसे पता चला, तो देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो कुल मिला के हम 2 का पहाड़ा मान लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा दोनों में है, इसके साथ x भी दोनों के पास है, तो 2x यहाँ पर कॉमन आएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, जब 2 कॉमन आ गया तो बाहर अंदर कितना बचा, 3 बचा, है ना। या फिर पहाड़ा बोल दो, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, कितनी बार बोला, 3 बार। तो अंदर बचा 3, और 1x बाहर आ गया तो अंदर बचा 1x माइनस, यहाँ 2 का पहाड़ा बोलो, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, कितनी बार बोला, 2 बार। तो अंदर 2 बचा और x बाहर आ गया तो केवल 2 ही रहेगा यहाँ पे। फिर प्लस, यहाँ पर देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कितना कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो कितना कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं।
फिर अंदर क्या बचा भाई, इसमें से एक निकल गया तो अंदर यही बचेगा है ना, माइनस इसमें हमने एक कॉमन लिया तो अंदर दो ही बचेगा, यानी एक हम कॉमन लेते हैं तो जो यहाँ है वही बचेगा। अब देखो यहाँ प्लस है, कोष्टक के बाहर प्लस है, तो यहाँ हमने निशान चेंज नहीं किया। अगर यहाँ माइनस होता तो ये निशान हम चेंज करते, ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ हमारे दो पद मिल गए, एक तो ये पद और दूसरा ये पद, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, देखो दोनों के पास 3x-2 है ना, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, यानी 3x-2 को हम बाहर ले लेंगे, 3x-2 हम बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचा, देखो ये बाहर आ गया, अंदर बचा 2x, ये बाहर आ गया, अंदर बचा प्लस 1 बराबर में 0। अब ये दोनों किस में आ गए, गुणे में आ गए। अब इन दोनों का गुणा 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0, है ना, तो एक तो हम लिख देते हैं, या तो 3x-2 ये 0 होगा या फिर 2x+1 ये 0 होगा, जब जाके दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से हमें दो समीकरणें मिली है, तो यहाँ से हम x के दो मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो x का मान ज्ञात करने के लिए इस दो को हम उधर भेजेंगे, तो 3x अपनी जगह पर, ये माइनस का दो उधर जाएगा तो प्लस का दो हो जाएगा, ये 3 गुणे में है, इधर भाग में जाएगा, भाग मतलब बट्टा, तो दो तो अपनी जगह पर, ये बट्टे में नीचे आ जाएगा 3। इसी प्रकार ये 1 उधर जाएगा, तो यहाँ 2x अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया माइनस का 1, ये गुणे में है तो x बराबर -1 अपनी जगह पर, और ये बट्टे में 2 आ गया। तो यहाँ इसके हमें कितने मूल मिल गए, दो मूल मिल गए, एक तो 2/3 और एक माइनस का 1/2। उदाहरण 5 है, द्विघात समीकरण 3x^2 -2√6x+2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारी समीकरण क्या है, 3x^2 माइनस का 2√6x+2 = 0, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो सबसे पहले हम पहले और तीसरे पद का गुणा करेंगे, तो पहला पद क्या है 3x^2 इंटू, तीसरा पद हमारा क्या है 2, 3 का 2 से गुणा 6 और ये हो गया x^2। अब 6 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो हमें 6 मिले और जोड़ने घटाने पर हमें -2 मिले। अब तीसरे पद में यहाँ प्लस का निशान है, इसका मतलब उन दोनों टुकड़ों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने पर हमें यहाँ पर -2√6 मिलना चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है, √6 हमें इस 6 से कब मिलेगा, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना, जब √6 का गुणा √6 से करते हैं तो हमें 6 मिलता है, समझ में आया। इसी प्रकार देखो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, यानी वो दो टुकड़े क्या होंगे, √6 और √6 होंगे, है ना। तो यहाँ √6 × √6 गुणा करने पर तो 6 है, और इसके साथ x^2, इसका मतलब यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी x आएगा, तो गुणा करने पर तो हमें ये मिल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, जुड़ता कब है, जब दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के हो, यहाँ माइनस का निशान है, इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, माइनस के होंगे। तो दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, तो दोनों को जोड़ने पर हमें -1√6 और -1√6 जुड़कर हो जाएगा -2√6x, ठीक है। तो जोड़ने पर हमें ये दूसरा पद मिल रहा है, यानी ये दोनों टुकड़े हमें काम में लेने हैं। तो अब क्या करेंगे, दूसरे पद की जगह इन दोनों टुकड़ों को हम लिखेंगे, तो ये तो हो गया 3x^2 और दूसरे पद की जगह ये दोनों आ जाएंगे -√6x और -√6x, फिर तीसरा पद हमारा हो गया +2 = 0। अब इन दोनों पद में जो कॉमन आएगा और इन दोनों पद में जो कॉमन आएगा वो हमें लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये √6 है और ये 3 है, इसका मतलब हमें रूट वाली संख्या कॉमन लेनी है, ये कैसे पता चलेगा। तो क्या 3 को हम √3 × √3 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। और ये जो 2 है इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो चलो पहले हम लिख देते हैं ताकि ये थोड़ा आसान हो जाए। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, है ना। मैंने दोनों को रूट के अंदर लिख दिया है, आप चाहो तो इनको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो। और ये हो गया x^2, फिर -√6 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, √6 का मतलब क्या होता है, √2 × 3, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √6 आएगा, है ना।
तो इसको भी हम रूट दो इंटू तीन कर देते हैं और ये आ जाएगा एक्स माइनस, इसको भी हमें रूट दो इंटू तीन एक्स कर देना है, फिर प्लस दो को हम क्या लिख सकते हैं, रूट दो इंटू रूट दो बराबर जीरो। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में जो कॉमन आ रहा है वो लेना है हमें। तो देखो यहाँ रूट तीन है, यहाँ भी रूट तीन है, इसके पास एक एक्स है, इसके पास भी एक एक्स है, तो इसका मतलब रूट तीन एक्स दोनों के पास है, तो ये बाहर आ गया। तो देखो यहाँ से एक तो बाहर चला गया तीन, यहाँ से एक एक्स बाहर चला गया, तो यहाँ अंदर एक तो रूट तीन बचा और एक एक्स बाहर चला गया, तो एक एक्स अंदर बचा, माइनस यहाँ से रूट तीन और एक्स बाहर चला गया तो अंदर कितना बचा, रूट दो बचा। समझ में आया? चलो यहाँ फिर क्या है, माइनस, देखो कोष्टक के बाहर यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब अंदर जो निशान होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। अब दोनों के पास क्या कॉमन, देखो इसके पास रूट दो है, इसके पास भी रूट दो है, यानी रूट दो हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ रूट दो बाहर आ गया, अंदर देखो यहाँ पर क्या बचा, रूट तीन एक्स, है ना, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, रूट दो, यानी जो यहाँ है वो यहाँ कोष्टक भी हमें मिलना चाहिए, तभी तो दोनों में से ये बाहर आएगा, है ना। चलो फिर बराबर में जीरो। अब देखो इन दोनों पदों में और इन इस पद में क्या कॉमन आ रहा है, तो इसके पास भी ये है और इसके पास भी ये है, तो रूट तीन एक्स माइनस रूट दो ये बाहर आ गया, दोनों के पास है, ये बाहर आ गया, तो ये जब बाहर आ गया तो इसमें क्या बचा, रूट तीन एक्स माइनस, ये बाहर आ गया तो अंदर यहाँ क्या बचा, रूट दो बराबर में जीरो। यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये हमारा रफ वर्क है। अब देखो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तभी इसका गुणनफल जीरो आएगा, है ना। तो या तो रूट तीन एक्स माइनस रूट दो ये जीरो होगा या फिर रूट तीन एक्स माइनस रूट दो ये जीरो होगा। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो रूट तीन एक्स बराबर ये अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का रूट दो, है ना। अब यहाँ रूट तीन किस में है, गुणे में है, है ना, तो ये भाग में जाएगा तो x बराबर रूट दो अपनी जगह पर, भाग में ये नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा रूट तीन। अब देखो दोनों के पास रूट है तो इसको हम बड़ा रूट ले लेते हैं और दोनों को रूट में डाल देते हैं, दो बटा तीन, ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है, और ये दोनों समीकरण सेम है तो इसका उत्तर भी यही आएगा, है ना, यानी ये पहले उधर जाएगा रूट तीन एक्स बराबर ये हो जाएगा प्लस का रूट दो, ये गुणे में है भाग में जाएगा तो x बराबर हमें मिलेगा रूट दो बटा रूट तीन, ठीक है। तो दोनों के मूल सेम होंगे, तो इस प्रकार से आपको ये पांचवा उदाहरण करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उदाहरण छह है, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, है ना, यानी कि एक ट्रस्ट है जो एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर, है ना, यानी इतना बड़ा जो है वो कक्ष बनाना चाहता है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से एक मीटर अधिक हो, है ना, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दो गुने से एक मीटर अधिक है, तो इसका मतलब अगर हम चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई क्या आएगी, उसकी दो गुने से एक ज्यादा, यानी कि 2x प्लस एक। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, है ना, तो यहां पर सबसे पहले हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो यहां चौड़ाई हमारी हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई, चौड़ाई जो है वो कितनी है, x मीटर है, x मीटर है, ठीक है। तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हमारी हो जाएगी, लंबाई बराबर चौड़ाई की दो गुनी से एक ज़्यादा, तो चौड़ाई तो हमारी x है, इसकी दो गुनी से एक ज़्यादा, यानी 2x प्लस एक मीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों को ज्ञात करना है, है ना, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 300 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई ये किसके बराबर होता है, ये होता है आयत के क्षेत्रफल के बराबर, आयत के क्षेत्रफल के बराबर, है ना।
तो यहाँ पर लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 2x प्लस ए। तो लंबाई की जगह पर हम 2x प्लस एक लिख देंगे, और हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है x, तो यहाँ गुणे में x आ जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 300, तो यहाँ पर 300 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x का इस पद से भी गुणा होगा और इस पद से भी गुणा होगा, तो 2x का x से गुणा हो गया 2x की घात 2 प्लस x का 1 से गुणा हो गया x, और ये जो बराबर के इधर 300 है वो बराबर के इस तरफ आएगा, तो हो जाएगा माइनस का 300 और बराबर में 0, और ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब हमें लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करने के लिए x का मान जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा, और x का मान ज्ञात करने का मतलब है कि हमें इसके मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, यानी द्विघात समीकरण हमारे पास आ चुकी है और अब हम इसके क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो देखो, ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, और ये हो गया हमारा तीसरा पद। हम क्या करेंगे, पहले पद का, पहला पद क्या है 2x की घात 2, इसका गुणा तीसरे पद से करेंगे, और तीसरा पद हमारा क्या है, माइनस का 300, तो 2 का 3 से गुणा हो गया माइनस का 6, और ये 00, यानी कि माइनस का 600 इंटू एक्स की घात 2। इसके हमें कितने टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े। अब वो दो टुकड़े ज्ञात करने के लिए इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, 600, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 300, फिर 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 150, फिर 2 का भाग देंगे तो 75, फिर 2 का भाग, अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का भाग देंगे तो 3 दुनी 6, पीछे बचा 1, 3 5 15, अब 5 का भाग जाएगा, 5 4 25, और 5 1 5। तो इसमें से हमें वो दो टुकड़े ढूंढने हैं कि जिनका गुणा करने पर तो 600 आए, और जोड़ने घटाने पर ये दूसरा पद आए, और दूसरा पद हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं 5 और 5 का गुणा करता हूँ तो हमें एक बड़ा टुकड़ा मिलता है 25। अब इन सभी को हम गुणा कर देते हैं, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, और 8 3 24, और 24 और 25 को जब हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है या घटाना है वो देखो, तो यहाँ देखो तीसरे पद में यहाँ किसका निशान है, माइनस का, इसका मतलब इन दोनों को हमें घटाना है। ठीक है, और सेकेंड पद में यहाँ प्लस का निशान है, इसका मतलब बड़ी संख्या हमें प्लस की लेनी है। चलो, तो देखो, इन दोनों को हम घटाएंगे तो घटाने पर हमें कितना मिलेगा, 1, और हमें यहाँ पर 25 को प्लस का लेना है और 24 को माइनस का, क्योंकि घटाने के बाद यहाँ दूसरे पद में प्लस का निशान आ रहा है ना, तो प्लस का 1 कब आएगा, जब बड़ी संख्या प्लस की हो, है ना। तो यहाँ पर हमें वो दो टुकड़े मिल चुके, वो दो टुकड़े क्या होंगे, एक तो हो जाएगा प्लस का 25x, है ना, और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 24x। इनको गुणा करेंगे तो आएगा 600, और जोड़े घटाएंगे तो आएगा प्लस का 1, है ना। तो चलो, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी समीकरण हो गई, पहला पद हमारा हो गया 2x की घात 2, दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 25x पहला टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा माइनस का 24x, और तीसरा पद हमारा कितना हो गया, 300 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन आता है, देखो इसमें केवल हमारे पास x कॉमन आ रहा है, और इन दोनों पदों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इनमें आएगा 12 कॉमन, है ना, यानी इन दोनों में 12 का पहाड़ा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 1x बाहर चला गया, अंदर बचा 2x प्लस, यहाँ से x बाहर गया, अंदर बचा 25, फिर देखो यहाँ माइनस है, और इसमें 12 का पहाड़ा मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी कि 2x। मुझे कैसे पता चला 12 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2x बच रहा है ना, तो अंदर 2x बचेगा, कब बचेगा, जब 12 का 2 से गुणा कराऊंगा तो 24 होगा, इसका मतलब 12 दोनों में कॉमन आएगा, है ना, ऐसे आप इसको याद भी रख सकते हो। तो 12 बाहर आ गया, अंदर 2x बचा, फिर माइनस 300 में 12 का भाग देंगे, तो 300 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार, है ना, यानी यहाँ पर जो है हमें कोष्टक में यही मिलने वाला अंदर। अब देखो यहाँ माइनस है, तो कोष्टक के अंदर ये निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 25 बार भाग जाएगा, और बराबर में 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 25 जो है कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो ये बार आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस, ये बार आ गया, अंदर कितना बचा, 12, बराबर में 0। अब ये या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो ये पद हमारा हो गया 2x प्लस 25 बराबर में 0, और ये हो गया x माइनस 12 बराबर 0।
अब यहाँ पर ये प्लस का 25 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 25, और ये गुणे में है इधर जाएगा भाग में आएगा, तो एक्स बराबर माइनस के 25/2। 25 में 2 का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 12.5, ठीक है। और अब ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो एक्स बराबर हमें मिलेगा प्लस का 12। अब देखो एक्स हमने क्या मानी थी, चौड़ाई मानी थी, तो क्या चौड़ाई कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, तो यहाँ लिख देंगे चौड़ाई, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, कैंसिल करेंगे, यानी कि x का मान ये हम नहीं ले सकते हैं। तो x बराबर 12 मीटर जो है ये मान हम लेंगे, यानी कि चौड़ाई हमें कितनी मिल गई, चौड़ाई हमें मिल गई बराबर के 12 मीटर, ठीक है। अच्छा अब हमें चौड़ाई मिल गई तो क्या हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। भाई लंबाई हमने क्या मानी, लंबाई हमने मानी है चौड़ाई की 2 गुनी है ना, और उसमें 1 ज़्यादा, तो x हमारा कितना आया 12 है ना, तो 2 गुना x की जगह आ जाएगा 12 + 1, 12 का 2 से गुना हो गया 24 + 1, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो लंबाई तो हमारी हो गई 25 मीटर और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 12 मीटर। इस प्रकार से हम जो है, इस प्रकार के जो ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें हमें लंबाई ज्ञात करनी हो, चौड़ाई ज्ञात करनी हो, तो द्विघात समीकरण द्वारा भी इनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 7 है, द्विघात समीकरण 2x^2 − 4x + 3 = 0 का विविक्ति कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो हमें द्विघात समीकरण दी है इसको हम व्यापक रूप में क्या लिखते हैं, ax^2 + bx + c = 0। जहाँ पर जो ये ए बी सी है वो ये जो मान है ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, यही मान है ना। तो ये जो मान है और यहाँ पर हम क्या ज्ञात करते हैं, इसके मूल ज्ञात करते हैं, यानी एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने की एक दूसरी विधि होती है जिसमें हम सूत्र के द्वारा डायरेक्ट एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और इस सूत्र में हमें क्या करना है, ये जो ए बी सी के मान जो हमें इस द्विघात समीकरण में दिए होते हैं वो इस सूत्र में रखने हैं और सीधे ही हम एक्स का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, इनके दोनों मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर -b + -, और ये जो जो पूरा b² - 4ac लिखा हुआ है इसको मैं शॉर्ट रूप में d भी लिख सकता हूँ, और इसी d को हम क्या कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं, है ना, और बट्टे में 2a। अब ये जो हमें इसमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना है, यानी d का मान ज्ञात करना है, और d हमारा क्या है, b² - 4ac है ना। यानी इस सूत्र में बी ए और सी का मान लगाना है और डी का मान ज्ञात करना है। जैसे ही हमारा डी का मान ज्ञात हो जाएगा तो फिर इसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट काम ज्ञात क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि इसके मूल क्या होंगे, कैसे होंगे, यानी इसकी प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस d का मान ज्ञात करेंगे तो हो सकता है d का मान जो है आपको 0 से ज़्यादा मिले, ये भी हो सकता है कि d का मान जो है आपको 0 मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि d का मान जो है आपको 0 से कम मिले, यानी कि ऋणात्मक मिले, है ना। जब आपका d का मान 0 से ज़्यादा मिलेगा, यानी कि d का मान जब आपको धनात्मक मिलेगा, है ना, धनात्मक मिलेगा, तब इसके मूल क्या होंगे, इसके जितने भी मूल होंगे, यानी 2 मूल होंगे, दोनों ही मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, दोनों ही मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, है ना, और दोनों असमान होंगे, है ना, दोनों समान नहीं हो सकते। जैसे एक में x का मान 2/3 आया तो दूसरे में x का मान कुछ और आएगा, है ना, 2/3 नहीं आएगा, यानी दोनों मूल जो मिलेंगे वो असमान होंगे, है ना, वास्तविक और असमान, ये इसकी प्रकृति होगी। कब, जब d का मान हमें धनात्मक मिले। अगर मान लो d हमें 0 मिल जाए, यानी bac का मान लगाकर ये पूरा हमें 0 मिल जाता है, तब हम कहेंगे इसके मूल वास्तविक होंगे, है ना, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे,
और दोनों मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। यानी एक एक में x का मान आपको 3 मिलता है तो दूसरी बार भी आपको x का मान 3 ही मिलेगा, यानी दोनों मूल आपको समान मिलेंगे। और अगर मान लो d का मान आपको ऋणात्मक मिलता है, कैसा मिलता है, ऋणात्मक मिलता है, तब दोनों मूल जो होंगे वो अवास्तविक होंगे, ये इसकी प्रकृति हो जाएगी, है ना। दोनों मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। यानी जब d का मान धनात्मक है तब मूल वास्तविक, जब d का मान 0 है तब भी मूल वास्तविक, लेकिन जब d का मान ऋणात्मक है इस केस में आपके मूल की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक होंगे। यानी सभी मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, पहले विविक्त कर ज्ञात करना है, फिर इसके बाद इनकी प्रकृति को बताना है, है ना। तो यहाँ पर देखो हमें क्या समीकरण दी है, हमें द्विघात समीकरण दी है, 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर a हमारा क्या हो गया, a हमारा होता है x की घात 2 का गुणांक, यानी ये कितना हो गया 2। b हमारा कितना है, तो देखो x का गुणांक कितना है, ये आगे माइनस है तो माइनस का 4, ये हमारा b का मान हो गया। और c हमारा कितना हो गया, प्लस का 3, ठीक है। a b और c के मान मिल गए हमें। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर यानी d का मान ज्ञात करना है। और d का मान अभी मैंने बताया, फॉर्मूला क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, है ना। अब देखो b a और c के मान मैंने ऊपर लिख दिए हैं, ये मान हम फॉर्मूला में लगाएंगे। तो b की जगह मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, ये हो गया घात 2 माइनस 4 की जगह 4, a की जगह कोष्टक और c की जगह भी कोष्टक। अब ये b है तो b हमें कितना रखना है, माइनस 4, तो कोष्टक में आ गया माइनस 4। फिर ये a है, a हमें कितना रखना है, 2, और ये c है, c हमें कितना रखना है, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 की घात 2 यानी माइनस 4 का गुणा माइनस 4 से करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, 4 का 4 से गुणा हो गया 16, तो ये हो गया 16। फिर माइनस, अब देखो 4 का 2 से गुणा, 4 दुनी 8, 8 का 3 से गुणा, 8 3 24, ठीक है। अब ये प्लस का 16 और ये माइनस का 24 घटाएंगे तो घटाने पर हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 8 मिलेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर हमें माइनस का 8 मिलेगा। यानी d हमें कितना मिल गया, d हमें मिल गया माइनस का 8। अब d हमें ऋणात्मक मिला है ना, यानी कि d का जो मान है वो 0 से हमें क्या मिला है, कम मिला है, यानी कि ऋणात्मक मिला है, इसलिए इसलिए दिए गए समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, है ना। तो वास्तविक नहीं है तो क्या है, अवास्तविक है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिए गए समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे, या ऐसा भी लिख सकते हो, इसलिए दिए गए समीकरण के कोई मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है ना। उदाहरण 8 है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। यानी हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त का 13 मीटर व्यास दे रखा है, तो ये वृत्त हमारा हो गया, और व्यास क्या होता है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। तो वृत्त के केंद्र से होकर मान लो यहाँ पर ये हमारा व्यास हो गया, ये वृत्त के केंद्र से जीवा गुजर रही है, ठीक है। अब इसका ये जो अंतिम बिंदु है इसको ए मान लेते हैं और इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, व्यास, और व्यास कितना दिया है, 13 मीटर, तो इसकी दूरी हमें दे रखी है 13 मीटर, ठीक है। और इसके दोनों जो ये अंत बिंदु हैं वहाँ उस पर, है ना, इस वृत्त की परिधि पर हमें एक ऐसा बिंदु लेना है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। यानी कहीं भी एक बिंदु ले लो, वहाँ पर हमें एक खंभा गाड़ना है। मान लो यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ P, और यहाँ मुझे एक खंभा गाड़ना है। फिर अब क्या कह रहा है आगे, इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, है ना। यानी कि यहाँ पर जो हमने खंभा गाड़ा है, इस व्यास के दोनों अंत बिंदु यानी ए बिंदु और बी बिंदु, ठीक है, अगर इससे हम इन पी और
पी और बी को मिलाएं और ए और पी को मिलाएं, ठीक है, तो इन दोनों की दूरी का जो अंतर है वो कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, इन दोनों दूरियों का जो अंतर दे रखा है वो 7 मीटर दे रखा है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, यानी कुल मिला के इससे हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगी। अब इस द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक है तब तो ऐसा करना संभव है, लेकिन अगर इसके मूल वास्तविक नहीं है तो हम कहेंगे ऐसा करना संभव भी नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है और फिर उसका विविक्त कर ज्ञात करके इसके मूलों की प्रकृति को बताना है। बात समझ में आ गई? तो हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है वही हमें करना है। हमें क्या दिया है, प्रश्नानुसार माना माना यदि यदि अगर पीबी क्या पीबी की दूरी को मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, तो इन दोनों दूरियों का अंतर किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर है ना, यानी कि एपी एपी और ये जो पीबी लिया है ना, या बीपी लिया है, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 7 के बराबर है ना। इस दूरी का और इस दूरी का अंतर कितना है, 7 है। अब पीबी हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो पीबी की जगह यहां मैं एक्स लिख देता हूं, तो एपी माइनस पीबी की जगह एक्स आ गया बराबर में 7। अब इस एक्स को मैं उधर भेजूंगा तो एपी मुझे कितना मिल गया, एपी और 7 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का एक्स, ठीक है, इसको भी हम मीटर ले लेते हैं। तो देखो हमने पीबी मान लिया है एक्स मीटर और एपी हमने निकाल दिया है 7 + x मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो कक्षा 9 में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि व्यास के दोनों बिंदुओं से अगर वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर हम यहाँ पर इनको मिलाते हैं तो ये जो कोण बनता है ना, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना, यानी व्यास के दोनों अंत बिंदुओं से परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब जब ये 90 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, है ना। तो देखो हमने पीबी कितना माना, एक्स माना, और एपी हमने कितना निकाला, एक्स प्लस 7 निकाला, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि आधार आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने बोधायन प्रमेय पढ़ी थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, आधार हमने कितना माना है, तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। इन दोनों में से एक को हम आधार मान लेते हैं और एक को हम क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं। तो आधार तो हमारा कितना हो गया, एक्स हो गया, है ना। तो आधार हमने क्या माना है, पीबी को माना है, वो कितना है, एक्स। तो यहाँ पर कोष्टक में आ गया एक्स का वर्ग प्लस लंब हमने कितना माना है, तो लंब हमने माना है एक्स प्लस 7, तो यहाँ आ गया एक्स प्लस 7 का वर्ग, और बराबर में कर्ण हमें कितना दिया है, 13, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया x की घात 2 प्लस यहाँ पर a प्लस बी की घात 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 2 × x × 7 प्लस 7 का वर्ग, ठीक है, और बराबर में 13 का वर्ग कितना होता है, 169, ठीक है। अब देखो यहाँ x की घात 2 और यहाँ x की घात 2 जुड़ेगा और ये हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस 2 और 7 का गुणा, 2 × 7 = 14x प्लस 7 का वर्ग यानी 7 का 7 से गुणा, 49, और बराबर में ये हो गया 169। अब 169 को हम इधर लाएंगे तो ये हो गया 2x की घात 2 प्लस 14x प्लस 49, और ये इधर आएगा तो माइनस का 169 बराबर में 0। इनको घटाएंगे तो ये हो गया 2x की घात 2 प्लस 14x, फिर देखो माइनस का बड़ा है तो उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा, 9 में से 9 गया 0, फिर 6 में से 4 गए 2, और ये 1, कितना बचेगा, 120। अब देखो इन तीनों पदों में जो है 2 का पहाड़ा कॉमन है, देखो ये सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, इसका मतलब दोनों में, तीनों पदों में 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो इस पद में से 2 बाहर आ गया,
तो अंदर बचा x की घात 2 प्लस इसमें से 2 बाहर आ गया, तो 2 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे तब 14 बनता है ना, तो कितना बचा 7x बना माइनस ये 12 यानी 120 है, तो 2 छंग 12 होता है यानी इसका पहाड़ा हम 60 बार बोलेंगे तब 120 आएगा, तो अंदर 60 बजेगा बराबर में 0। अब यहाँ 2 गुणे में है उधर भाग में जाएगा तो 0/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई है और वो क्या है x की घात 2 प्लस 7x माइनस 60 बराबर में 0। ठीक है, अब जो द्विघात समीकरण हमें मिली है इसका हम पहले विविक्तकर ज्ञात करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, और अगर इसके मूल वास्तविक है तो इसका मतलब है कि ऐसा करना संभव है और फिर उसके बाद इन दूरियों को भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो चलो हम पहले इसका विविक्त कर ज्ञात करते हैं, तो विविक्त कर के लिए यहाँ ए बी सी के मान चाहिए, तो ए हमारा क्या है x की घात 2 का गुणांक, आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, फिर b का मान क्या है यानी कि x का गुणांक प्लस का 7, और c का मान यानी कि अचर पद का गुणांक कितना है माइनस का 60, और d यानी विविक्त कर क्या होता है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, a b c के मान यहाँ लगाएंगे तो ये है b की घात 2, b कितना है प्लस का 7, तो b की जगह आएगा 7 और घात 2 माइनस 4 इंटू a हमारा कितना है 1, तो इंटू 1 आ गया, a आ गया 1, और c हमारा कितना है माइनस का 60, तो ये आ जाएगा माइनस का 60। अब इसके बाद 7 का वर्ग यानी 7 का 7 से गुणा कितना हो जाएगा 49, फिर देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 4 का 6 से गुणा 6 चौक 24 और ये 0। अब दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो ये आ गया 9, 4 और 4 8 और ये 2, यानी d का जो मान है वो हमें मिल गया 289। ठीक है, यानी d का मान कैसा मिला, धनात्मक मिला, और जब d हमारा धनात्मक है ना ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कि इसके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, यहाँ d ग्रेटर देन जीरो, अतः दिए गए समीकरण समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, और अगर इसके मूल वास्तविक है ना, तो हम कहेंगे ऐसा करना संभव है, अतः ऐसा करना संभव है, और अगर ये संभव है तो इसकी दूरियां भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी कि x का मान और x प्लस 7 का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, सूत्र हमारा क्या था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। ठीक है, d का मान तो हमने निकाल दिया, अब इस सूत्र में b और a का मान ज्ञात करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, और x के कितने मान निकलेंगे 2, क्योंकि एक बार हमें प्लस लेना है और एक बार हमें माइनस लेना है, तो चलो एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं, तो x बराबर माइनस बी यानी b हमने कितना निकाला है 7 निकाला है, b हमारा कितना है भाई 7 है ना, तो b की जगह 7 और a की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का माइनस बी हमारा कितना है 7, फिर एक बार हम प्लस लेंगे, ठीक है रूट डी, और डी हमारा कितना निकाला हमने 289 बट्टा 2 इंटू 1, इसको हल करेंगे तो माइनस का 7 प्लस 289 का वर्गमूल कितना होगा 17 होगा, कितना होगा 17 होगा, है ना, आपको 1 से 25 तक वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए ताकि आप फटाफट बता सको 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, तो यहाँ 17 आ जाएगा, और 2 का 1 से गुणा 2, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 17 में से 7 गया तो कितना बचा, बच गया प्लस का 10/2, क्योंकि प्लस का बड़ा है उत्तर प्लस में आएगा, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर, यानी x का मान यहाँ पर कितना आ गया 5 मीटर आ गया। इसी प्रकार अब हमें माइनस लेना है ना, तो अब हम माइनस लेते हैं, तो x बराबर माइनस का 7 यानी माइनस बी, बी की जगह आ गया 7, अब माइनस लेना है तो यहाँ आएगा माइनस रूट डी, तो रूट डी का मान कितना है 289/2 × 1, तो x बराबर ये हो गया माइनस का 7 माइनस 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17/2, अब माइनस माइनस जुड़ेगा तो जुड़कर ये हो जाएगा माइनस का 24/2, 2 का भाग देंगे तो मिलेगा माइनस का 12 मीटर। अब क्या दूरी कभी माइनस में आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो हम ये x का मान नहीं लेंगे,
तो हम x का मान क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे क्योंकि क्योंकि दूरी दूरी धनात्मक होगी, धनात्मक होगी होगी, अतः अतः x बराबर 5 होगा, ठीक है। x का मान जब 5 होगा तो यहाँ पर हमारी जो ये फाटकों की दूरी है यानी इस बिंदु से B फाटक की दूरी कितनी होगी, यानी PB का जो मान है, PB का मान कितना आ जाएगा, PB का मान आ जाएगा हमारा, PB का मान हो जाएगा 5 मीटर, है ना। क्योंकि PB क्या है, PB हमारी x है, तो PB का मान आ गया 5 मीटर। और AP का मान कितना होगा, AP का मान है x प्लस 7, है ना। तो x हमने निकाला कितना, 5, तो 5 में 7 को जोड़ दो यानी कि कितना, 12 मीटर। तो ये दोनों फाटकों की हमारी दूरी आ गई और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी PB और AB का AP का मान हो जाएगा। उदाहरण 9 है, समीकरण 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 बट्टा 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो सबसे पहला काम हमें विविक्त कर ज्ञात करना है। तो समीकरण हमारी क्या है, समीकरण है 3x की घात 2 माइनस का 2x प्लस का 1 बटा 3 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारा कितना हो गया, a हमारा x की घात 2 का गुणांक कितना हो गया, 3। b हमारा क्या है, x का गुणांक कितना है, माइनस का 2। और c हमारा अचर पद का गुणांक कितना हो गया, 1 बटा 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर। विविक्त कर का सूत्र क्या है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो b का मान कितना है, माइनस का 2, तो b की जगह आ गया माइनस 2 और ऊपर घात 2, माइनस 4 इंटू a, a का मान कितना है 3, इंटू c, c का मान कितना है 1 बटा 3, ठीक है। तो देखो ये गुणे में है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या आया, d बराबर माइनस 2 की घात 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 की घात 2 कितना आ गया, 4, माइनस ये 3 से 3 कट गया, 4 का 1 से गुणा कितना आ गया, 4, 4 में से 4 गया 0, यानी कि d का मान हमें कितना मिला, 0 मिला। और जब d का मान हमें 0 मिला, इसका मतलब है मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक वास्तविक तथा समान होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो अब दोनों मूल हम ज्ञात भी कर लेते हैं। तो सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। अब d का मान 0 आया तो x बराबर माइनस b, तो माइनस का माइनस और b हमारा क्या है, b हमारा माइनस 2 है, तो कोष्टक में माइनस 2 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट डी, d का मान कितना आया 0, तो रूट में 0 आ जाएगा, बट्टे में नीचे 2 इंटू a, यानी कि 2 इंटू a हमारा कितना है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो x बराबर माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस का 2। फिर देखो प्लस माइनस रूट जीरो, तो रूट जीरो कितना होता है, 0, और प्लस माइनस 0 का कोई मतलब है नहीं, तो इस पूरे को हम हटा देते हैं, यानी दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो यहाँ ऊपर तो 2 हो गया और नीचे 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6, तो यहाँ पर कितना आया, 1 बटा 3, यानी x के यहाँ पर दो मान निकलेंगे, 1 बटा 3 और 1 बटा 3, ये दोनों मान इसके क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्योंकि मूल वास्तविक और समान होंगे। यानी हमने क्या किया कि भाई इसका मान तो प्लस और माइनस, ये मान तो क्या आ गया, 0 आ गया, यानी जब मैं एक बार प्लस लूंगा तो भी यही उत्तर आएगा और एक बार माइनस लूंगा तो भी यही उत्तर आएगा। बात समझ में आ गई, तो मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है। इस प्रकार से आपके ये सारे उदाहरण हो गए। और एक काम आपको करना है, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सबसे पहले लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।